भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री एवं मध्य प्रदेश प्रभारी सैयद इब्राहिम मोहम्मद गुरुवार को शहर पहुंचे। जनसंपर्क अभियान के तहत उन्होंने जिला भाजपा कार्यालय में अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक ली। जिले से आए सभी पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय मंत्री को बैठक से पहले अपना 1-to-1 परिचय दिया। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय मंत्री सैयद इब्राहिम ने कहा कि मोर्चा भाजपा बूथ स्तर पर मजबूत करने में जुटा है। हर मंडल से लेकर एक एक बूथ स्तर तक जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है, ताकि अल्पसंख्यक समुदाय को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। नरेंद्र मोदी ने भारत में रह रहे मुसलमानों की स्थिति में सुधार करने के लिए कई योजनाएं लागू की है। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी 180 सीटें जीतेगी, मुस्लिम वोट भी पार्टी को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। में इंशाल्लाह आने वाला जो इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन में 180 से 200 तक भारतीय जनता पार्टी जरूर जीतेंगे, क्योंकि जरूर मिलेंगे। इसके लिए हम बहुत कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। और मुसलमान अभी समझ रहा है, देश में विकास चल रहा है, पूरे देश में रोड, पानी, हर कुछ आगे जा रहा है। तो इसके लिए क्या नाम है पूरा आपका? मेरा नाम सैयद इब्राहिम, नेशनल सेक्रेटरी माइनॉरिटी मोर्चा। कहाँ से आए हुए? मैं फ्रॉम तमिलनाडु से आया हूँ। हम रिजर्वेशन देंगे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो उसमें 10% मिल जाएगा, वो बेहतर है। नहीं, 4% बेहतर है, 10% इस मुस्लिम के लिए बहुत अच्छा काम आएंगे। मगर कांग्रेस ये बताया, मुस्लिम का रिजर्वेशन खत्म करने के लिए बीजेपी कोशिश कर रहा है, ऐसा गलत प्रवास किया है, गलत प्रचार किया है। तो मुसलमान लोग सोचा नहीं, इसके लिए वोट डाला है। और दूसरी एक बात है, ये मुस्लिम महिला का जो बुर्का है उसका खिलाफ बीजेपी चल रहा है, ऐसा कांग्रेस फिर एक गलत प्रचार किया है। मगर कर्नाटका स्टेट में यही हुआ था, जो स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहे, जो क्लासरूम है, उस क्लासरूम में उन स्कूल का जो रूल है, अगर रूल हर स्कूल में डिफरेंट होते हैं, किस स्कूल में रूल जो बच्चे लोग यूनिफॉर्म के साथ में रहना चाहिए, ऐसा स्कूल में जो पढ़ रहा है वो मुस्लिम बच्चा हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो स्कूल का यूनिफॉर्म के साथ में रहना चाहिए, यही रूल था। मगर क्या हुआ, कांग्रेस ऐसा प्रचार किया, मुस्लिम महिला का बुर्का हटाने के लिए भाजपा कोशिश कर रहा है। तो ये गलत प्रचार को इन लोग सच मान लिया, इसके लिए कर्नाटक में जीता। मगर हम मध्य प्रदेश में और जो आने वाला इलेक्शन में कोई भी कांग्रेस नेता लोग, और प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, गलत प्रचार करेगा तो मुसलमान उसको खिलाफ देंगे। एआईएमआईएम के अध्यक्ष सिद्दीन ओवैसी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो मुस्लिमों से नफरत करती है। मैं ये शामिल करना चाहता हूँ, एएम असदुद्दीन ओवैसी वो कभी भी देश को विरोध भी बात कर रहा है और मुसलमान को देश में जोड़ के जो नेशनल स्ट्रीम में आने के लिए कोशिश कर रहा हूँ हम, उसको तोड़ने के लिए काम कर रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये 9 साल में आया है, 12 करोड़ टॉयलेट बनाया है, वो 12 करोड़ में 3 करोड़ कौन फायदा उठा है? माइनॉरिटी कम्युनिटी होता है। और 10 करोड़ गैस का फ्री दिया है, मुफ्त में दिया है, उसमें 2 करोड़ कौन फायदा उठा है? माइनॉरिटी कम्युनिटी होता है। और 48 करोड़ जनधन योजना खाते निकाला बैंक में, उसमें 12 करोड़ माइनॉरिटी का कम्युनिटी फायदा उठा है। इस सब में माइनॉरिटी का जो फायदा है ज्यादा मिलता है। इसके लिए गरीबों का गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट में जो गरीबों ज्यादा इस देश में मुसलमान है, तो इसके लिए कितना योजना आता है सरकार से, केंद्र सरकार से और इधर स्टेट सरकार से, उन सब योजना गरीबों लोग को मिलता है और मुसलमान के लिए मिलता है। तो ये असदुद्दीन ओवैसी बताता नहीं है, क्यों तो ये काली धर्म के ऊपर वोट बैंक क्रिएट करने के लिए सोच रहे हैं। हम तो देश के लिए सब सब मिलके सबका साथ रखने के। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।